हमारे YouTube चैनल का रेमेडिएशन। तो गाइस सबसे पहले ये कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलो आप मैं बताती हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ बैगन। वैसे तो सब लोगों ने अलग अलग तरह की बनाई होगी, आप लोगों ने भी घर पे ट्राई किया होगा अपने स्टाइल का, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरा स्टाइल है। तो देखिए मैं स्टफ बैगन इसको धुल लिया है, मैंने धुल करके मैंने इसे पोंछ लिया है। और ये प्याज है और लहसुन है, ये हम कद्दूकस करेंगे पहले। तो पहला स्टेप यही है कि पहले आप इनको जल्दी जल्दी इसको छील के कद्दूकस करेंगे और इसको मैं बीच से फाड़ लेती हूँ। देखिए इस तरह आपको पूरा इसको दो हिस्सों में नहीं काटना, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसको इस तरह फाड़ना है ऐसे। चलिए जब इसको फाड़ लेते हैं, बैगन पतली ही ज्यादा मोटे नाली बनाने के लिए। और जल्दी से हम इसको कद्दूकस कर लेती हूँ और इसको भी कद्दूकस कर लेती हूँ। फिर आप बैगन को मैंने चीर दिया है बीच में से, दो हिस्से नहीं करी, अलग अलग करी, मैंने आपको अभी दिखाया था ना। और जो प्याज और लहसुन है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। सबसे पहले हम थोड़ी मेथी के दाने भूनेंगे। देखिए साबुत मेथी है, अब इसको मैं भूनूंगी, क्योंकि अगर आप स्टफ बैगन बनाते हैं तो जो उसका मसाला होगा वो पहले से ही भुना हुआ होना चाहिए, वरना वो सही से पकता नहीं है। इसलिए आप कभी भी जब घर पे स्टफ बैगन बनाएं तो उसके जो साबुत मसाले होंगे उनको आप पहले भून लें, उसके बाद आप पीसे। देखिए लाल लाल पूरा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, इसको भी भूनेंगे। ये भी हो गया, अब अगर आपके पास में साबुत धनिया है तो आप उसको भून सकते हैं, और अगर साबुत धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी भून सकते हैं। तो ये मैं डाल दूँ पिसा हुआ धनिया। ये भी हो गई लगभग। और ये सौफ है, सौफ ऑप्शनल है, आप चाहे भूंजे या ना भूंजे, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी सौफ को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी सौफ। ज़्यादा डालेंगे तो बैगन मीठे मीठे हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना, सौफ बिल्कुल थोड़ी डालेंगे। अभी सब मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ी चीज़ें और मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, देखिए थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ। और गाइस इसमें हल्दी भी डालेंगे भुना हुआ, क्योंकि मेरे पास भुना हुआ हल्दी ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा भुना हुआ हल्दी मैंने ऐड कर दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप भून सकते हैं, जैसे मैंने सारे मसाले भून लिए। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो गाइस देखिए ये मैंने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए, मैंने आपको बताया था मैं ग्राइंड करूंगी, मैंने ग्राइंड किया, ये मसाला ग्राइंड करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब जो मैंने प्याज और लहसुन जो मैंने कद्दूकस किया था वो मैं यूज करूंगी, ये लहसुन मैंने कद्दूकस किया था। अब हम इसको इसमें भरेंगे अच्छी तरह से। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब क्योंकि ये भर चुके हैं तो अब हम इसको करेंगे तेल में पकाएंगे। भर दिए हैं
और मसाला बाहर ना निकले, इसलिए मैंने उसके ऊपर धागा भी लपेट दिया है। अगर आपका मन करे कि आपको धागा लपेटना नहीं है और आप ऐसे ही उसको पका सकते हैं, तो आप ऐसे ही उसको तेल में पका लें बिना धागा लपेटे, लेकिन मैंने उस पर धागा लपेट दिया है। तो चलो सबसे पहले एक पैन में आपको सरसों का तेल लेना है, तो ले लें। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको आराम से इसमें डाल दूंगी। हल्के हाथों से इसको पलटना है, तो इसको आप 5-5 मिनट में खोल के देखेंगे और इसको आप पलटेंगे इसकी साइड को। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो गाइस क्योंकि 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो अब मैं देखती हूँ इसकी साइड को भी पलट देती हूँ। देखिए बड़े आराम से, देखिए अब मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं इसको धीमी आंच में ही गैस पर 10 मिनट तक के लिए और पकने के लिए छोड़ती हूँ। काफी टाइम हो गया पकते हुए, देखो आवाज भी आ रही है, देखते चेक करते हैं पके नहीं पके बैगन हमारे। आइए तो ये पूरी तरह से पक चुके हैं, देखिए मसाला भी नहीं निकला इनका बाहर। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इनको बाहर निकाल लेती हूँ, और इनके अंदर जो धागा, जिस धागे से हमने इसके ऊपर लपेटा था, वो धागा भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर। देखिए अब मैंने इसे धागे निकाल दिए सारे, देखिए धागे धागे ये हैं, ये धागे इसके, और ये मैंने धागे निकाल दिए हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको तो खुशबू आ नहीं रही होगी। देखिए मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकला, देखिए पूरा पूरा बैगन ही है, कितना टेस्टी दिख रहा है। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप घर पे जरूर ट्राई करना, एक बार आप मेरे स्टाइल का बैगन जरूर बनाना, स्टफ बैगन। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो बनाएं, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।